अरविंद केजरीवाल जी को है। अरविंद केजरीवाल जी ईडी के समन्स के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट गए। ईडी ने अपनी पूरी वकीलों की एक लंबी सी लाइन खड़ी कर दी, देश के सबसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि किस आधार पे आप समन्स भेज रहे हैं। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और आखिरकार कोर्ट ने ईडी को बोला कि अगर कोई कागज हैं तो कागज दिखाओ, तभी मैं इस एप्लीकेशन को डिसमिस करूंगा। ईडी कागज भी लेकर आई, हियरिंग से अपने कमरे के अंदर जाके दोनों जजों ने ईडी के कागज भी देखे और ईडी के कागज देखने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस करने से मना कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशन को होल्ड किया और उन्होंने इस इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन पर ईडी को नोटिस दिया और 22 अप्रैल की तारीख दी। तो ईडी के पुरजोर विरोध के बावजूद भी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को, समन्स खारिज करने की एप्लीकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेट असाइड नहीं किया। उन्होंने इस पर नोटिस दिया है और वो इस पर सुनवाई करेंगे और पूरे मैटर को एग्जामिन करेंगे। आज मैं ईडी से ये पूछना चाहती हूं, ईडी जो भारतीय जनता पार्टी का आज एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है, कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या एक रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। ईडी अपने प्रेस रिलीज में लिखने लायक तक पैसे रिकवर नहीं कर पाई है। मैं तो ये भी कहूंगी कि जितना पैसा ईडी ने अपनी रेड्स में लगा दिया, उसका खर्चा भी रिकवर नहीं कर पाई होगी ईडी। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को ना सीबीआई को सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, हजारों रेड करने के बाद, एक रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता बहादुरी से डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी के सामने। वरना जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही उन पर ईडी की रेड होती है, जैसे ही उन पर ईडी का केस होता है, जैसे ही उनको ईडी का समन आता है, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ईडी जाके कोर्ट में हाथ जोड़ के कहती है, जी हम केस बंद कर रहे हैं, हमारे कागज खो गए, हमारी फाइलें खो गई, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसके नेताओं पर केस होने के बावजूद, रेड होने के बावजूद, समन्स आने के बावजूद और कई नेताओं के जेल जाने के बावजूद, हम फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस लड़ाई में डटे हुए हैं। ये कहते हैं अपने प्रेस रिलीज में कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी कि अगर हमने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया होता तो आज अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए आपको 50 करोड़ हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दे दिया होता। क्योंकि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट देखने जाइए तो बहुतों ने जिन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए, उनको ईडी और सीबीआई से छुटकारा मिल गया। मैं आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि अगर आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो खुल के हमसे राजनीतिक मुकाबला करिए,
जमीन पर उतरिए, दिल्ली की सड़कों पर उतरिए, पंजाब की सड़कों पर उतरिए, हमारे खिलाफ कैंपेन कीजिए और हमें चुनाव में हराइए। ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश मत करिए। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की कोशिश कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ईडी को उनके पीछे भेज रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए और इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। थैंक यू। मैम, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद गिरफ्तारी पे कोई रोक नहीं लगी? देखिए, हम अभी अपने लीगल ऑप्शंस तो बिल्कुल कंसिडर करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि ईडी के इतने विरोध के बावजूद भी हाईकोर्ट ने केस को डिसमिस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मैटर में ईडी को लाके अपने कागज तक दिखाने पड़ गए, सारा सबूत भी दिखाना पड़ गया कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने हमारी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को डिसमिस नहीं किया। बाकी और क्या लीगल ऑप्शंस हैं हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि जज साहब ने जब सारे कागज देख लिए तो उनको समझ में आ गया कि ईडी की बात सुनने लायक नहीं है। मैम, इसको कैसे आप बड़ी जीत कह रही हैं? आप लोग गए थे कि गिरफ्तारी पे रोक लगे, वो रोक नहीं लगी है, अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। देखिए, जीत कैसे है? गिरफ्तारी की तलवार तो हर उस आदमी के सर पर लटकी हुई है जो मोदी जी का विरोध करता है। गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पे तब तक लटकी रहेगी जब वो मोदी जी के खिलाफ बोलते रहेंगे। वो ईडी से नहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो सीबीआई से गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे, सीबीआई से गिरफ्तार नहीं करवाया तो दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन एजेंसीज के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उनके इतने विरोध के बावजूद ये केस, इस केस की सुनवाई 11 बजे शुरू हुई, 11 बजे से 2 बजे तक, फिर 2:30 बजे के बाद फिर से सारे कागज ईडी वाले लेके आए, लेकिन सारे उनके वकीलों के कहने के बाद भी हाई कोर्ट ने केस डिसमिस नहीं किया। हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी से पूछा है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ और इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैम, अगर गिरफ्तारी हो जाती है, आप लोग बता रहे हैं, अब चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा पार्टी? कैसे प्रचार करेंगे, क्या होगा, किस तरीके से होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी मंत्री अपने सिर पर कफन बांधकर अपने घर से निकले हुए हैं। हम सबको पता है कि मोदी जी का विरोध करने पे हम कभी भी जेल जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता किसी भी मुश्किल के बावजूद जमीन पर डटा रहेगा।